सैचुरेटेड होने लगे हैं। दोस्तों फेस पे मैंने कलर कर चुका हूँ और इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। अब फिश को पेंट करते हैं और देखिए कैसे थोड़ा वाटर कलर इफेक्ट देने के लिए मैं कलर्स को कैसे ऐड कर रहा हूँ। दोस्तों जितना ज़्यादा आप पानी की क्वांटिटी रखेंगे उतना इवनली आपका कलर्स जो है स्प्रेड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना इजीली और इवनली कलर्स स्प्रेड हो रहे हैं क्योंकि पानी का क्वांटिटी ज़्यादा है, कलर्स का कम है। और अभी मैं लेयर का नाम भूल चुका हूँ कि मैं कौन सी लेयर कर रहा हूँ इस पे, शायद ये छठी या सातवीं लेयर है। और दोस्तों हेयर को मैं थोड़ा अपनी स्टाइल में पेंट करने वाला हूँ, थोड़ा कलरफुल और थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट रखने वाला हूँ, रियलिस्टिक पेंट नहीं करने वाला इसको मैं। और दोस्तों मैं ब्रश स्ट्रोक से इसको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लुक देने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों जब आपका बेस लेयर रेडी हो और आप डिटेल ऐड करने के लिए तैयार हो तो आपको हमेशा वाटर की क्वांटिटी कम रखनी होती है ताकि आप इजीली डिटेल कर सकें। और दोस्तों मैं हमेशा डार्क कलर लास्ट में ऐड करता हूँ क्योंकि वाटर कलर्स जो हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं और लाइट के ऊपर डार्क इजीली हो जाता है पर डार्क के ऊपर लाइट नहीं हो पाता वाटर कलर्स में। तो इसीलिए समझदारी इसी में है कि जो डार्क कलर्स हैं वो हमेशा एंड में आप ऐड करिए। और दोस्तों जिस एरिया को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कलर से उस पर मास्क।